हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी थ्री कलर ढोकला। तो गाइस, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सूजी का ढोकला हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर हम ले लेंगे सूजी। तो 2 कप भर के हमने यहाँ पर ली है सूजी, बारीक वाली सूजी है। यहाँ पर मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन उसे मिक्सी जार में डालकर आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, जिससे कि वो बारीक हो जाती है। 2 कप सूजी हमने यहाँ पर ले ली है और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे दही। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भर के दही, दही आप खट्टा ले सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून भर के हम यहाँ पर लेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच भर के डालेंगे शुगर यानी कि चीनी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और सूजी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स होती जा रही है। और साथ ही हमने यहाँ पर जो था पूरा 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन अभी बैटर हल्का सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और अब हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कवर करके ढकने के बाद हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। तो गाइस, 20 से 25 मिनट हमारे जो हैं वो हो चुके हैं। तो हमारा जो ढोकले का बैटर था एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है और काफ़ी अच्छे से ये बैटर जो है हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस बैटर को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बाउल ले लिए हैं, इनको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। यानी कि हमारा जो रवा था ना, सूजी जो थी, उनको हमने 3 कटोरियों में कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे 3 कलर यानी कि 3 कलर बनाने के लिए, तिरंगा वाला जो कलर होता है ना, वो देने के लिए हम इसमें कलर ऐड करेंगे। और आप चाहें तो इसमें सब्जियों का यूज़ भी कर सकते हैं। आप लाल कलर के लिए गाजर पीस कर और उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन कलर के लिए आप इसमें पालक ऐड कर सकते हैं पीस कर। और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें चटनी भी ग्रीन वाली ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर के लिए। तो मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है। तो 1 कटोरी में हम डाल देंगे यहाँ पर ग्रीन फूड कलर। तो इसको मैंने ऑलरेडी घोलकर यानी कि पानी में घोलकर रखा हुआ था, तो इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा जो ग्रीन कलर था बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बाउल में हम ऐड करेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर। तो उसको भी डालकर हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये कलर भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा तिरंगे वाला कलर आया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना। तो ढोकला बनाने के लिए हमें एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक केक मोल्ड ले लिया है, और आप चाहें तो किसी थाली वगैरह में भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से ये जो ग्रीन वाला बैटर है ना, सबसे पहले हम ग्रीन कलर इसमें डालेंगे। और ग्रीन कलर डालने के बाद हम इसके अंदर जो हमने यूनो लिया था ना, उसका 3रा हिस्सा यानी कि हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कटोरी के अंदर भी इसे मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मोल्ड के अंदर डालने के बाद ही अच्छे से डाला है और उसके बाद इसको मिक्स किया है इस तरह से। और इस वक्त हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ गैस पर पानी ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था, क्योंकि हम इसे इस तरह से बनाने वाले हैं स्टीम पर, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ओवन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम रख देंगे एक जाली की छलनी और उस पर हम रख देंगे अपने बैटर को, और फटाफट से बिना देर किए हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से किसी ऐसे बर्तन से जिससे कि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो मैंने इसे एक परात से इस तरह से कवर कर दिया है, बहुत ही अच्छे से हमें कवर करना है। तो इस तरह से कवर करने के बाद हम कम से कम 7 मिनट के लिए इसे इस तरह से पकाएंगे, और 7 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ढोकला था ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, हाथ से छूने पर बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है, तो बस इसी तरह का हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे व्हाइट वाला जो हमारा बैटर है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमें डालकर इसे फैला लेना है। तो इस तरह से एक स्पून से हम अच्छे से इसे फैला देंगे ताकि ये एक बराबर हो जाए, और इसे भी हम अच्छे से कवर कर देंगे। इसके अंदर हमने यूनो जो था वो ऑलरेडी बाउल में ही डाल दिया था। तो ये भी हमारा 7 मिनट के बाद बनकर रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं छूने पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरेंज वाला जो कलर था ना हमारा, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम इस तरह से इसमें यूनो डालेंगे और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बाउल के अंदर भी यूनो ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसे कवर कर देंगे।
तो हमने इसे कवर कर दिया है और लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारा जो ढोकला था वो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गया है, बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो चेक करने का जो तरीका है वो ये कि आप इस तरह से एक नाइफ लें और इस तरह से आप इसमें डालकर इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नाइफ हमारा एकदम साफ निकला है, कोई भी इसमें बिल्कुल भी इसके अंदर जो हमारा बैटर था वो चिपका हुआ नहीं है। तो बस समझ लीजिएगा कि हमारा ढोकला बनकर तैयार है और अब इसे हम निकाल कर रख देते हैं एक साइड में और ढोकले को हम पहले ठंडा होने देते हैं। तो हमारा जो ढोकला था बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइफ से इसकी जो साइडें होती है ना उसको हम छुड़ा लेंगे इस तरह से। तो अब हम ढोकले को बाहर निकाल देते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हमने ऑलरेडी इसमें ऑयल से ग्रीस किया हुआ था तो बहुत ही जल्दी से ये निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं तीनों कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आए हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे कट कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद करते हैं तड़के की तैयारी। तो आप देख सकते हैं कि काटने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा ढोकला कितना स्पंजी और कितना बढ़िया बना है, एकदम सॉफ्ट। और इसे हम कट कर रहे हैं ना तो एकदम से ये जो है ना बहुत ही इजीली कट हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे से हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मली जैसे ढोकला होता है ना उस तरह से इसे स्क्वायर शेप में ही हमने इसे कट किया है। तो हमारा ढोकला कट कर तैयार है। तो चलिए फटाफट से हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और गैस को कर दिया है ऑन। तो और पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है ढोकले के अंदर। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डाल देंगे राई, सरसों के दाने। इसको हम अच्छे से चटकने देते हैं। तो हमारी जो राई है बहुत ही अच्छे से चटक गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च को बीच से काट कर और इसको रखा हुआ था तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हमारे ढोकले में इस तरह से। तो हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के पानी ले लिया है, उस पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से और पानी में एक उबाल आने देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है, तो इसमें 1-2 उबाल और आने देंगे जिससे कि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाएगा। तो इसे अच्छे से हम बॉयल होने देते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर कटी हुई हरे धनिया की जो पत्तियाँ होती हैं ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तड़के में करी लीफ का यूज़ भी कर सकते हैं, करी पत्ते जो होते हैं ना उनका यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। तो आप देख सकते हैं तड़के में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है और इसे उबलते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने जो ढोकला काट के रखा था ना उसके ऊपर हम तड़के को डाल देंगे। तो गाइस फाइनली हमारा ढोकला बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रसीला, एकदम स्पंजी और जूसी हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है, तो मैं आपको निकाल कर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए है ना एकदम दानेदार, एकदम बढ़िया और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर, एकदम तिरंगे वाला। तो गाइस इस प्यारे से ढोकले की रेसिपी को एक बार आप अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई करें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।